रात का समय था। 40 शहीदों की शहादत पर देश का खून खौल रहा था। एक के बाद एक भारत की तरफ से लड़ाकू विमान निकलते हैं और एलओसी पार कर जाते हैं। 21 मिनट चलता है पाकिस्तान में बदले का खेल। 1000 किलो बम फेंके जाते हैं और उसमें मारे जाते हैं 300 से ज्यादा आतंकी। विमान वापस भारत की तरफ लौटता है और सेना कहती है ऑपरेशन सक्सेसफुल। भारत के लिए आज खुशी का दिन है। आज का सूरज भारत में खुशियां लेकर आया है। दिखाते हैं आपको दुश्मन को कैसे ही किया उसके ही घर में ध्वस्त। पीओके की पहली तस्वीर है जिस वक्त विराट 2000 विमान पीओके में एंटर हुए थे। ये पहली तस्वीर है। उस वक्त ही बड़ा हमला भारतीय वायुसेना की तरफ से मसूद अजहर के कैंप पर किए गए। 3 आतंकी कैंप उसके यहां पर मौजूद थे जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया। 10 बम इस 500 मीटर के इलाके पर गिराए गए। जैश ए मोहम्मद का अल-फतह कंट्रोल रूम पूरे तौर पर तबाह हो गया। ये देखिए जब भारतीय लड़ाकू विमानों ने एलओसी क्रॉस की तो ये उस वक्त की तस्वीर है। और ये पाकिस्तान की तरफ से भी पुष्टि की गई कि मुजफ्फराबाद के इलाके में भारतीय वायुसेना के विमानों ने घुसपैठ की है, वहां पर एंट्री की है और इसके बाद बड़ी कार्रवाई की है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ। लंबे समय से सैनिक कार्रवाई का इंतजार ये देश कर रहा था। बालाकोट, मुजफ्फराबाद, चकोटी में ये हवाई हमला हुआ है। गढ़ी हबीबुल्ला में एयरफोर्स ने बम गिराए हैं जिसमें जैश के 3 ठिकाने तबाह हो गए। ये वीडियो पत्रकारों की तरफ से जारी किए गए हैं, यानी मीडिया ने वीडियो जारी किया है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से। ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें भारतीय वायुसेना का विमान एलओसी क्रॉस करके गया और उसने जैश के जो आतंकी ठिकाने थे जहां से आतंकी की सप्लाई पाकिस्तान भारत को करता था वो ठिकाने तबाह कर दिए गए। हालांकि मसूद अजहर 14 फरवरी के बाद से भागता घूम रहा है, छुपता घूम रहा है। पहले उसे सेना और ISI ने सेना के अस्पताल में भर्ती कराया, अरबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन बाद में उसको वहां से भी शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन यानी डर है कि मसूद अजहर पर भी भारत कड़ी कार्रवाई कर सकता है। साफ किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से कि इस हमले का बदला लिया जाएगा और पाकिस्तान ने ये हमला करके अब बहुत गलत किया और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सेना को पूरी छूट दे दी गई है कि वो अपने वक्त के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से और अपने तरीके से कार्रवाई करे। सरकार ने ये छूट सेना को दे दी और सेना ने आज वो कार्रवाई करके दिखा दिया जिसका इंतजार लंबे समय से देश कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने खुद इस बात को माना 5:06 पर कि हमला किया गया है पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के विमानों की तरफ से। वो पाकिस्तान जो हमेशा डिनायल मोड में रहता था उस पाकिस्तान ने इस हमले को माना और इसकी फोटो जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की तरफ से ही जारी की गई है। ये फोटो